नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटल से। आज हम बड़े ही एक कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि दांत अगर हिल रहे हैं या हिलने लग गए हैं तो क्या करें। दांत अगर हिलने लग जाएं तो क्या किया जाए, बड़ी चिंता का विषय है। सभी को अपने दांत प्यारे होते हैं और कोई अपने दांत खोना नहीं चाहता। दांत हिलने के या मोबाइल होने के जो सबसे कॉमन रीज़न होते हैं वो है हमारे दांतों के ऊपर डिपॉजिट्स इकट्ठे होना, मतलब प्लाक या टार्टर इकट्ठा होना, जिसे बहुत समय तक क्लीन नहीं किया और उसमें जो बैक्टीरिया है या कीटाणु हैं उन्होंने मसूड़ों और दांत के बीच के जंक्शन को वीक कर दिया, कमज़ोर कर दिया, तो दांतों की पकड़ कमज़ोर हो गई और दांत हिलने लग गए। दूसरा सबसे कॉमन कारण है चोट लगना। किसी भी तरीके की जब चोट लगती है, कोई मुंह के बल या दांतों के बल गिर जाता है या लग जाती है, तो उससे दांत हिल सकते हैं। तीसरी चीज़ है दांतों का खराब हो जाना, डीके हो जाना, कैविटी लग के सड़ जाना। तो ये कॉमन कारण होते हैं जिस वजह से दांत हिलना शुरू होते हैं। विद एज ये चीज़ होने की संभावना और ज़्यादा होती है, क्योंकि समय के साथ हमारी जो मसूड़ों और हड्डी की पकड़ है वो थोड़ी कम होती है और जो हाइजीन फैक्टर है वो भी लंबे समय तक अगर हाइजीन अच्छा नहीं रखा जाता है तो वो भी अपना प्रभाव दिखाता है और दांतों की मोबिलिटी या हिलना बढ़ जाता है। अब दांत हिलने लग जाए तो क्या किया जाए। सबसे पहले तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर के स्केलिंग कराएं, मतलब कि क्लीनिंग कराएं। क्लीनिंग कराने से जो भी डिपॉजिट्स या बैक्टीरिया का घर जो दांतों के ऊपर है वो क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, वहाँ से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे और इससे जो फर्दर डैमेज मतलब और नुकसान आगे वो कीटाणु आपके मसूड़ों और दांतों को कराते कम से कम वो होना बंद हो जाएगा। सेकेंडली, अगर दांत कम हिल रहा है, मतलब कि आप इसे अपने हाथ से खुद चेक करके देख सकते हैं कि दांत कितना हिल रहा है, 1-2 मिलीमीटर ही अगर हिल रहा है तो उसे हम Grade 1 मोबिलिटी कहते हैं, मतलब कि शुरुआती हिलना, मतलब कि हिलने का शुरुआती दौर। तो उस केस में अगर हम क्लीनिंग करा लेते हैं समय पर जाकर तो हो सकता है देर आर हाई चांसेस कि हमारा दांत जो है वापस से मजबूत हो जाए, वो मसूड़े दांतों पे पकड़ दोबारा बना लें और दांत जो है हिलने से बच जाए या निकलने से बच जाए। इसके बाद अगर मान लीजिए सिर्फ स्केलिंग करा लेने से ही या क्लीनिंग करा लेने से ही दांत दोबारा मजबूत नहीं हो रहा, मतलब कि Grade 1 मोबिलिटी से आगे है आपका जो दांतों का मोबिलिटी है, उस कंडीशन में फिर दांतों के ऊपर स्प्लिंट करवा सकते हैं। स्प्लिंट मतलब कि एक पतला सा वायर दांतों के ऊपर लग जाता है, ये स्टेनलेस स्टील कलर का भी होता है, वाइट कलर का भी होता है, ये दांतों में अंदर की साइड मतलब जबान की साइड लग जाता है जो बाहर से बिल्कुल नहीं दिखता और ये आपस में दांतों को पकड़ लेता है। ऐसा होने से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और जो लोड उनके ऊपर आना है वो सब में डिवाइड हो जाता है, तो दांतों को एक मजबूती इससे मिलती है। इसे कहते हैं स्प्लिंट लगाना। ये बड़ा आसान प्रोसीजर है, इसमें कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई बार बार आना दिखाना नहीं है, कोई फॉलोअप्स नहीं है, कोई बहुत कॉस्ट भी नहीं है। मुश्किल से 1,500-2,000 रुपये या 2,500 रुपये तक मैं समझता हूँ कि स्प्लिंटिंग की जा सकती है। तो ये होता है स्प्लिंट लगाना। इसके बाद अगर स्प्लिंट से भी बात नहीं बन सकती और हमें लगता है कि हमें और मजबूती चाहिए तो फिर जो हिलते हुए दांत हैं उन पे कैप लगाई जा सकती है। कैप लगाने से भी, कैप भी एक तरह के स्प्लिंट का ही काम करेंगी। जब कैप्स आपस में जुड़ी हुई होंगी और वो दांतों को पूरी तरह से कवर कर लेंगी तो जो दांत हमारा जल्दी ही निकल जाना है वो कुछ समय हमारा साथ देगा, तो इससे भी हम दांतों को मजबूती यहाँ पर दे सकते हैं। मान लीजिए कि हम स्प्लिंट कराने से भी संतुष्ट नहीं हैं और हम हमारे अच्छे वाले दांतों को घिसवा करके उन पे कैप कर नहीं लगाना चाहते, हमें लगता है कि हमें हमारे दांत नेचुरली ही बरकरार रखने हैं, तो फिर इसमें एक एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन है, वो है बोन ग्राफ्टिंग। अल्टीमेटली आप समझने की कोशिश करें कि दांत जो है वो है हमारे जबड़े की हड्डी में, ये हमारे जबड़े की हड्डी है, इसी में जाकर के दांत लगा है जिसने कि उसको पकड़ करके रखा है। जैसे हमारा मकान के जो नींव होती है, कॉलम होते हैं, वो अल्टीमेटली जमीन में जाते हैं और जमीन ही उसे पकड़ करके रखती है, उसी तरह से हमारे दांतों की जड़ों को किसने पकड़ रखा है, हमारे जबड़े की हड्डी ने। तो दांत हिलने क्यों लग गए, क्योंकि ये जो कीटाणु थे इन्होंने मसूड़ों को और हड्डी को गला दिया, वो हड्डी वहां से कम हो गई, तो क्यों ना उस हड्डी को दोबारा बना दिया जाए। इसी को कहते हैं बोन ग्राफ्टिंग, कि आप वहां पर आर्टिफिशियल बोन का सहारा लेकर के जो नेचुरल बोन आपकी कम हो गई है उसे दोबारा बना दें,
इसके लिए एक छोटा सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व है और थोड़ा समय लगता है। ये ऐसा चुटकी में हो जाने वाला काम नहीं है, इसके लिए कुछ समय लगता है, कुछ सिटिंग्स लगती हैं, एक प्रॉपर प्लान होगा आपका, एक सीटी स्कैन होगा, बोन ग्राफ्ट वहाँ पर सर्जिकली लगाया जाएगा और उस बोन ग्राफ्ट का जो आपकी नेचुरल हड्डी से पूरी तरह से वो जुड़ जाए या वो खुद नेचुरल हड्डी में कन्वर्ट हो जाए, इस बात में थोड़ा समय लगेगा। तो इसमें थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा आएगा, थोड़ा पेशेंस या सब्र भी रखना पड़ेगा। तो ये एक ऑप्शन है अगर दांत आपके ज़्यादा हिल रहे हैं और हम नहीं चाहते कैप लगाना या हम और किसी चीज़ से भी संतुष्ट नहीं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया कि किन किन तरह से हम हमारे हिलते हुए दांतों को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, देर ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, वही सबसे बड़ी बात है। हम जितने दिन नेगलेक्ट करेंगे या नज़रअंदाज करेंगे या उसे लाइटली लेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उन्हें खो देंगे, फिर वो ठीक नहीं किए जा सकते। इसमें जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट कराते हैं, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके नेचुरल दांत दोबारा मजबूत हो जाएं या किसी तरह से कुछ साल वहाँ पर रोक लिए जाएं। तो मैं आप सबको यही सलाह दूंगा कि अगर आपका कोई दांत आपको हिलता हुआ फील होता है तो बिल्कुल देर ना करें, जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट कराएं। सारे ट्रीटमेंट जो रहते हैं वो अगर जल्दी कराए जाते हैं तो वो कम कॉम्प्लेक्सिटी में, कम पैसों में, कम मेहनत में ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा ड्यूरेबल रिजल्ट हमें देते हैं। तो अगर इससे जुड़े आपके मन में और भी कोई सवाल हैं तो बेशक हमें लिख भेजिए या हमसे संपर्क कीजिए। थैंक यू।